गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आज जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कराया था, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। इनसाइड आवर अर्थ का क्या मतलब होता है? इनसाइड आवर अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ के अंदर क्या है। द अर्थ आवर होम लैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ जानते हैं आप, अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जो हमारा होमलैंड है और एक डायनामिक प्लैनेट है। अर्थ क्या है? एक डायनामिक प्लैनेट है। इसमें लगातार अंदर और बाहर चेंजेस हो रहे हैं। किसमें? अर्थ में। और क्या आपने कभी वंडर किया कि अर्थ के अंदर क्या है? यदि हम सोचें तो हम क्या कहेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसी सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अर्थ किस चीज़ से बनी है? अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है? तो जस्ट लाइक एन ओनियन, अर्थ क्या है? एक ओनियन की तरह है। जैसे आपने प्याज देखा है, प्याज के अंदर कितने सारे लेयर्स होती हैं, इसी तरह अर्थ के अंदर क्या होती है? लेयर्स होती हैं। तो जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड एंड अदर। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम, इट इज दस कॉल्ड साइल। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। जस्ट बिना द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड क्या है? डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इट इज इन साउथ अफ्रीका। ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में जो डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और इट इज अबाउट 4 किलोमीटर, और ये लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्थ होती है वो क्या होती है? ओनियन की तरह है। जैसे ओनियन में कई सारी लेयर्स होती हैं, परत होती है, उसी तरह से हमारी अर्थ में भी कई सारी लेयर्स हैं, जो कि अर्थ कई लेयर से मिलकर बनी हुई है, जो एक एक के अंदर एक है। अर्थ क्या है? कई सारी लेयर से मिलकर बनी है और जो एक के अंदर एक है। अर्थ के यदि हम सबसे ऊपरी पार्ट को देखें तो ऊपरी लेयर को देखें तो वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहते हैं। ये सभी लेयर्स में सबसे पतली होती है, जो क्रस्ट होती है वो सबसे पतली लेयर होती है, और यह करीब 35 किलोमीटर
मोटी परत है जो कॉन्टिनेंटल मासेस के नीचे है और 5 किलोमीटर जो होती है हमारी समुद्र तल के नीचे। कॉन्टिनेंटल मास में मेनली सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल मास में क्या क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे साइल कहते हैं। साइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है। अगर हम समुद्र तल से क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सीमा। दो चीज़ें हम देखने को मिलेंगी आपको, एक तो सिलिका और दूसरा सीमा, सॉरी एक तो साइल और दूसरा सीमा। साइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? एल्युमिना और सिलिका और एल्युमिना पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल मास में सिलिका और एल्युमिना पाया जाता है, इसलिए इसे साइल कहते हैं। और समुद्र तल की यदि हम क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और यदि हम क्रस्ट के नीचे की परत को क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर डेप्थ मतलब नीचे की ओर जाती है और क्रेस्ट के नीचे होती है। अर्थ के सबसे अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, जो 3500 किलोमीटर मोटी पार्ट होती है। और इसमें मेनली क्या होता है? इसमें मेनली निकल और आयरन होता है। और इसे क्या बोलते हैं? जो निकल और आयरन होता है, इसको निकल और आयरन होता है और इसे मेनली क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं आपकी बुक में इंटीरियर ऑफ दी अर्थ का एक पिक्चर डायग्राम शो किया गया है। पेज नंबर फिगर नंबर 2.1 में आप देखेंगे तो इंटीरियर ऑफ दी अर्थ का ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या कहला रही है? क्रस्ट। इसके आप अंदर देखेंगे रेड साइड से तो क्या ये है? लिथोस्फीयर है। रेड कलर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिथोस्फीयर दिया दिखाई दे रहा। फिर यदि इधर देखेंगे तो ये मेंटल है। मेंटल का येलो कलर का जो पार्ट है वो क्या है? मेंटल है। और इधर आएंगे आप तो आउटर कोर इधर देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये आउटर कोर है। और इधर आप देखेंगे तो क्या होगा? ये कोर मेंटल बाउंड्री है। तो और इधर आएंगे आप तो ये क्या है? इनर कोर है। तो इस तरह से आपको यदि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्वेश्चन आता है तो आपको इसका ये पिक्चर बनाना पड़ेगा। नीचे आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट के बारे में बताया गया है कि ये पिक्चर दिखाई दिया है। इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो ये वाला पार्ट है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इधर आप जब आएंगे तो ऊपर की ओर तो ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर क्या है? ये कॉन्टिनेंट है। इधर ब्लू कलर से आप देखेंगे, ब्लू कलर से क्या दिखाई दे रहा है? ओशन दिखाई दे रहा है। और इधर पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो ये आपको ओशनिक क्रस्ट के बारे में दिखाई देगा। तो यदि आप पिक्चर बनाते हैं तो आपको कलर के द्वारा इंडिकेट करना होगा। आप जो मोव कलर की जो पेंसिल्स आती हैं उसका यूज़ करेंगे और उसके द्वारा आप जो है इन पिक्चर्स में जो भी कलर का यूज़ किया गया है उस कलर का यूज़ करके लेबलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके दोनों डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले रॉक्स क्या होती है? रॉक्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इग्नियस रॉक, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आप इसको भी शॉर्ट में मैं आपको समझा दूँ कि इग्नियस रॉक को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? इग्निस, मीनिंग फायर। लैटिन वर्ड में इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? इग्निस, मीनिंग मीस होता है फायर। सेडिमेंट्री
सेडिमेंटा मीनिंग सेटल्ड डाउन। सेडिमेंटी का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ में सेडिमेंटा होता है और मीनिंग क्या होता है, सेटल्ड डाउन। मेटामॉर्फिक रॉक को ग्रीक वर्ड, इसको तो लैटिन वर्ड बोलते थे, इसको ग्रीक वर्ड में मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने तीन रॉक्स के लैटिन वर्ड, दो रॉक्स के लैटिन वर्ड समझे और एक रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक का ग्रीक वर्ड क्या होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन रॉक्स के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। अभी मैंने जो भी टॉपिक्स आपको समझाए बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड किए जाते हैं आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए। थैंक यू बच्चों।